Hello children, welcome to our maths class. So students, we have learned an equation is the equality of the values of two expression, right? हमने देखा कि समीकरण दो बीज व्यंजकों के मानों में समता होती है ना बच्चों? और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके एक तरफ में एक्सप्रेशंस जो है उसमें एक तरफ में चर थी और दूसरे तरफ में एक्सप्रेशन जो थी वो नंबर वाले थे, ठीक है। साथ ही आपने ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही आपने देखा हो, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर समझ में आया होगा। सो बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी सो, बिकॉज वी कैन सी बोथ साइड कुड हैव एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स, है ना। सो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशन विच हैव वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस जिसके दोनों साइड के एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स है, इस टाइप के इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं आज हम अपने क्लास में देखेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में दिख रही है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट। गिवन जो नीचे दी गई समीकरण है आपको इसको हल करना है, साथ ही आपको इसे चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि जो आपका वैल्यू आया है, चर की जो मान आई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखिए दोनों साइड में आपका एक्सप्रेशन जो गिवन है उसमें यहाँ पे भी चर है और यहाँ पर भी चर है। देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ट्रांसपोजिंग 2x टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे 2x को बाएं पक्ष में स्थानापन्न करेंगे। ओके, क्लियर। तो क्या होगा, 3x यहां जाएगी, 2x हो जाएगी। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। 3x माइनस 2x हो गया, x इज इक्वल्स टू 18। सो ये जो इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, 18, x इज इक्वल टू 18। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। नाउ चेक इट, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, सो दिस इज 3 इंटू 18, 18 थ्री जा 54। क्लियर, ओके। नाउ राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 18, सो राइट 2 इंटू 18 प्लस 18, 2 इंटू x की जगह पे 18 लिखा, तो ये हो गया 18 टू जा 36 प्लस 18, दोनों को ऐड कीजिए, इट विल बिकम 54। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 18 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अगेन ट्रांसपोजिंग, लाइक टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, 3t टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हिंदी में लिखेंगे 3t को बाएं पक्ष में स्थानापन्न, या आप पक्षांतरण भी लिख सकते हैं, स्थानापन्न करने पर। ओके स्टूडेंट्स, सी 5t माइनस 3t इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, 5t माइनस 3t इज
2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5. 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5. अब माइनस 3 को वहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे. देखिए 2t इज इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस में है, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड. 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण या स्थानापन्न करेंगे. क्लियर? तो क्या होगा, 2t इज इक्वल टू, देखिए माइनस 5 प्लस 3 है, एक माइनस में एक प्लस में है, हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 2. क्लियर? ओके. नाउ t इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2. सेम यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा, 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे. कैंसिल कीजिए 1, t इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, ये है सॉल्यूशन. अब हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है. सो चेक इट. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5t माइनस 3. ओके, 5t माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? वैल्यू ऑफ t इज माइनस 1. सो राइट लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 5 माइनस 1 इज माइनस 5 माइनस 3. ओके, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5 माइनस 3. सो दिस इज माइनस 8. ओके, नाउ सी द राइट हैंड साइड इज 3t माइनस 5. राइट? अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? माइनस 1. सो दिस इज 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, दोनों माइनस में हैं, ऐड हो जाएंगे माइनस 8. नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो माइनस 8, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो माइनस 8. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हेंस t इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 5. सेकेंड क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5. तो पहली क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए, नाउ सी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. इक्वेशन इज 2y प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस y. ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म को ट्रांसपोज कीजिए y टू लेफ्ट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे y को बाएं पक्ष में स्थानापन्न करने पर या करेंगे. ओके, क्लियर? नाउ 2y जब उसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस वाई जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है, 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 26 बाई 3. ओके, नाउ 2y प्लस y इज 3y, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू 26 बाई 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. 3y इज इक्वल्स टू 26 बाई 3, 5 बाई 3 को ट्रांसपोज कीजिए एंड राइट द स्टेटमेंट. ट्रांसपोजिंग 5 बाई 3 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में कैसे लिखेंगे, 5 बाई 3 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. ओके, क्लियर? नाउ दिस इज
3y इक्वल टू, देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, 3 है, सो विल राइट 3, दिस इज 26 माइनस 5, सो 3y इज इक्वल्स टू 21/3. नाउ दिस इज 3y इज इक्वल्स टू 21/3, कैंसिल कर दीजिए 3 7 जा, सो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 7, देन y इज इक्वल्स टू 3 को फिर से ट्रांसपोज कीजिए, सो इट विल बिकम 7/3, राइट? ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, ओके, क्लियर? अब दिस इज योर सॉल्यूशन, चेक करेंगे. नाउ चेक इट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2y प्लस 5/3, ओके. नाउ 2 इंटू व्हाट इज y? 7/3 प्लस 5/3, राइट? सॉल्व कीजिए, 7 2 14/3 प्लस 5/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर एंड ऊपर में दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 14 प्लस 5, दिस इक्वल्स टू 19/3, ओके. नाउ सी द राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड? 26/3 माइनस y. What is y? y is 7/3. So write 26/3 minus 7/3. This equal to 3 common hai. So write common denominator 3. Numerator ko directly subtract kijiye. 26 minus 7. This equals to 19/3. Right? Therefore, left hand side is equals to right hand side. Hence, we can say left hand side is equals to right hand side. Hence we can say that y is equals to 7/3 is the solution for the given equation. Okay, now let's see the next question. The next question is 3m is equals to 5m minus 8/5. Dekhiye solution, left hand side, right hand side, dono side mein expression aapko given hai jisme char hai. Dekhiye, ट्रांसपोजिंग 5m टू राइट हैंड साइड, ठीक है? हिंदी में कैसे लिखे? 5m को दाएं पक्ष में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. Okay, so this is 3m minus 5m is equals to minus 8/5. Clear story? Ab dono ko subtract kijiye, like term hai, 5 minus 3 minus 2m is equals to minus 8/5. Dono pakshon mein se minus hata dijiye, so this is 2m is equals to 8/5. Now again transpose m is equal to 8/5 into यहाँ पे multiply है तो यहाँ आके divide हो जाएगा, right? तो क्या हो जाएगा? m is equals to, इसे cancel कीजिए, 2 4 are 8, 4/5. Clear? Now check कीजिए. What is your left hand side? Left hand side is 3m. So this is 3 into m, 4/5. 3 4s are 12 by right hand side. Right hand side is 5m minus 8/5. So this is 5 into 4/5 minus 8/5. Clear? आप इसे कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली करूँगी. 5 4 20/5 माइनस 8/5. 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए,
ठीक है, कितना आएगा 12. सो दिस इज योर राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हेंस वी कैन से दैट m इज इक्वल्स टू 4/5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x/3+1 इज इक्वल्स टू 7x/15+3. ओके, नाउ सी द सोल्यूशन. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिए. अगेन ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म 7x/15 टू लेफ्ट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 7x/15 को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. ओके, सो दिस इज 2x/3 - 7x/15 इज इक्वल्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे 3 बच जाएगी. क्लियर? नाउ सॉल्व दिस अगेन. 2x/3 - 7x/15 इज इक्वल्स टू 3. 1 को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, स्टेप में लिख लीजिए ट्रांसपोजिंग, रीजन में लिखिए ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड. 1 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, हिंदी में लिखेंगे. ओके, नाउ सॉल्व दिस. दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15. ओके, 15. नाउ 2x into 3 5s are 15, 7x into 15 1s are 15 इज इक्वल टू 3 - 1, दैट इज 2. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. 5 2s are 10, 10 7 1s are 7 एंड दिस इज 15/15 इज इक्वल्स टू 2. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. 10x - 7x इज इक्वल्स टू 3x/15 इज इक्वल्स टू 2. राइट, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे 3 1s are 3, 3 5s are 15, सो इट विल बिकम x/5 इज इक्वल्स टू 2. अगेन ट्रांसपोज x इज इक्वल्स टू 2 into 5, रीजन में लिखिए ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड. हिंदी में लिखेंगे 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. सो दिस विल बिकम 10. सो व्हाट्स योर आंसर? योर आंसर इज x इज इक्वल टू 10. ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 10. नाउ लेट्स चेक इट. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज 2x/3 + 1. ओके, नाउ सॉल्व दिस. 2 इंटू व्हाट इज x? x इज 10. सो 10/3 + 1, दिस इज 2 10s are 20/3 + 1/1. वी कैन राइट एलसीएम ले लीजिए. दिस इज 3, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 × 1 एंड दिस इज 3. सो दिस विल बिकम 20 + 3/3 इज इक्वल्स टू 23/3. राइट, नाउ सी राइट हैंड साइड. चेक कीजिए राइट हैंड साइड क्या है. 7x/15 + 3. सो व्हाट्स योर राइट हैंड साइड हियर? 7x/15 + 3. सो द राइट हैंड साइड इज 7x/15 + 3. नाउ 7 × x, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 10/15 + 3. सो दिस इज 70/15 + 3. दिस विल बिकम लाइक दिस. ओके, वी कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज 15 एलसीएम ले लीजिए. दिस विल बिकम 70 + 3 × 15
यहाँ पे आप 70 × 1 लिख सकते हैं बिकॉज 15 × 1 = 15. क्लियर? सो दिस इज 70 + 15 = 45, 15 × 3 = 45 बटा 15. सो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 115/15. राइट? अब आप इसे सॉल्व कीजिए. 5 × 3 = 5, 2 = 10, 5 × 3 = 15. सो इट विल बिकम 23/3. राइट? यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था? 23/3. राइट हैंड साइड भी क्या आया? 23/3. देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना? हेंस x इज इक्वल टू 10 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 + 3. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट. द सेम क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4/5 x + 10. ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन. अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये गिवन इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और वैल्यू ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे. ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 4/5 × x प्लस अगेन 4/5 × 10. क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 × 2 = 10, तो ये बन जाएगी 4 × 2 = 8. लाइक टर्म को ट्रांसपोज कीजिए, x माइनस 4/5 x इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे लिखिए ट्रांसपोजिंग 4/5 x टू लेफ्ट हैंड साइड. ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे? 4/5 x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. इसके नीचे 1 लिख देते हैं हम, राइट? तो ये हो जाएगा x माइनस 4x, आप नीचे में 5 लिख दीजिए, दोनों का एलसीएम 5 आ गया. यहाँ पे x के नीचे क्या है? 1. सो 5 × 1 = 5. यहाँ पे 1 × 5 = 5 और यहाँ पे 5 × 1 = 5, तो ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8. इसे सॉल्व कीजिए, दिस विल बिकम 5x और ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल्स टू 8. 4x + 5 हो गया, x/5 इज इक्वल्स टू 8. नाउ दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 × 5. 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया, x इज इक्वल्स टू 40. जब आप इसे लिखोगे तो आप स्टेप लिख लीजिएगा ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड, 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ x इज इक्वल टू 40 इज योर सॉल्यूशन. नाउ चेक, ठीक है, चेक करेंगे. देखिए, व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज x, एंड व्हाट इज योर x? x इज 40. क्लियर? कुछ भी नहीं करना है इसमें. नाउ राइट हैंड साइड, व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? 4/5 × x + 10. नाउ 4/5 × व्हाट इज x? x इज 40. सो विल राइट 40 + 10, दिस इज 4/5 × 40 + 10 = 50. ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना? ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे. नाउ सॉल्व इट, 5 × 10 = 50. सो इट इज 4 × 10 दैट इक्वल्स टू 40. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. क्लियर? ओके, नाउ सी, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 40 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7. ये आपका क्वेश्चन गिवन है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. 8x प्लस 4
जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, सो हम 3 को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू एक्स, दिस विल बिकम 3x, माइनस 3 इंटू 1, 3 प्लस 7, राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x. यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3, ओके 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, सो इट विल बिकम प्लस 4, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है, सो प्लस 4, क्लियर. नाउ अब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोजिंग, लाइक टर्म को ट्रांसपोज करेंगे, तो पहले हम 3x को करेंगे ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे 3x को बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, क्लियर. सो क्या हो गया, 8x प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ सी 8x माइनस 3x इज 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, ओके. सी अब ये इक्वेशन है, अगेन ट्रांसपोज कीजिए, 5x इज इक्वल टू 4 को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए, 4 माइनस 4, स्टेप में आप लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, ओके. हिंदी में लिखेंगे 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, अगेन x इज इक्वल टू 0 बाई 5, फिर से हम 5 को ट्रांसपोज करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट्स योर आंसर, आंसर इज 0. हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 0. नाउ लेट्स सी x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका सॉल्यूशन है या नहीं. देखिए बच्चों, चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8x प्लस 4. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, द वैल्यू ऑफ x इज 0. सो विल राइट 0 प्लस 4, 8 इंटू 0, 0 प्लस 4, एंड 0 प्लस 4 इज 4, क्लियर. नाउ सी द राइट हैंड साइड इज 3x माइनस 1 प्लस 7, दिस इज योर राइट हैंड साइड. देखिए x की जगह पे हम 0 लिख लेते हैं, सो 3, आप x की जगह पे 0 माइनस 1 प्लस 7, ओके. 3 इंटू 0, 0, 3 इंटू 1, माइनस 3, यहाँ पे माइनस है इसलिए, प्लस 7, सो दिस इज 0, माइनस 3 प्लस 7, दिस इज प्लस 4, एंड 0 प्लस 4 इज 4, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और वी कैन से x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन, ओके. देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चेक किया, उसमें हमने जो क्वेश्चन गिवन था उसे लेके चेक किया. आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं. 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, इस इक्वेशन को लेकर भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है. यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, आपको ईजिली सोल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर. सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. बच्चों ये जो थे एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न थे जिसे मैंने सॉल्व करवाया. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए वो क्वेश्चन दूंगी, आप जो बचे क्वेश्चंस हैं उसे घर पे कीजिए. आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए. बाय बाय.